ओके स्टूडेंट, ये हमारी आज की सर आवाज प्रॉब्लम कर रही है स्टूडेंट्स, आवाज क्लियर है? जी सर, ठीक है, गुड। ओके स्टूडेंट्स, ये आसिफ भाई आपके एंड पे कोई इशू लग रहा है, बाकी बच्चों को आवाज सही आ रही है? चप चप के आ रही है आपकी। आसिफ भाई आपकी आवाज भी कट रही है, हो सकता है आपके एंड पे इशू हो, आप रिकनेक्ट कर लें अपने दोबारा, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की आखिरी रिकॉर्डिंग है, और अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक डाउन पेमेंट का कॉन्सेप्ट था और पेमेंट हर साल के एंड पे हो रही थी। और अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले एक होमवर्क भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं स्क्रीन पे दोबारा शेयर कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी नजर आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। इस सवाल में आपने जो है वो सेम जो हमने अभी किया था क्वेश्चन पलक लिमिटेड का, जिसमें 3 साल की अकाउंटिंग और इनिशियल डिपॉजिट था, इसमें 5 साल की अकाउंटिंग और इनिशियल डिपॉजिट है, सेम कॉन्सेप्ट है, यानी पेमेंट हर साल के एंड पे है और इनिशियल डिपॉजिट पहले साल के शुरू में है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही है, ठीक है ना? तो ये 5 साल की वहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी थी, 3 साल की सॉरी, यहाँ पे आपको 5 साल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, जेम एंड को एक्वायर्ड एन एसेट ऑन फाइनेंस लीज, द टर्म इज फॉर 3 ईयर्स, कितने साल की लीज है यहाँ पे, कितने साल की लीज है, 3 साल, ठीक है, एट अ रेंट ऑफ ₹22,635। अब यहाँ जो कॉन्सेप्ट है ना, वो लिखा हुआ है पर हाफ ईयर पेबल इन एडवांस, पर हाफ ईयर पेबल इन एडवांस, ये आपने 3 साल में कितने दफा पे करना है भाई? ये माइक इंस्टॉलमेंट होगी, किसी का माइक छह पेमेंट करेंगे सर, छह पेमेंट है, छह इंस्टॉलमेंट होगी, ठीक है, गुड है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि लीज कमिंस ऑन January 1, 2015, आपने जेन एंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज 15 लाख रुपए, डिपॉजिट आपने देना है 3 लाख रुपए पहली तारीख को। अच्छा, एक चीज और सुन ले, पेबल इन एडवांस है, पेबल इन एडवांस का मतलब होता है आपने जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो हर साल के हर, मतलब जो आपका टाइम पीरियड है उसके शुरू में, यानी पहली पेमेंट भी पहले दिन जाएगी, इज दैट क्लियर? मतलब बिगनिंग ऑफ ईयर हो जाएगा जी, अभी बता दो इसका, मैं समझाता हूँ आपको, आगे ये कहते हैं कि जी, आगे कहते हैं डायरेक्टर ऑफ जेम एंड कंपनी कंसीडर दैट एसेट इज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% पर हाफ ईयर। अच्छा, इंटरेस्ट खुद ही हाफ ईयर करके दे दिया, अगर ये आपको हाफ ईयर नहीं करके देते ना, तो ये आपको खुद हाफ करना पड़ता, अगर लिखा होता 9% पर ईयर लिखा हुआ होता तो हम 9% को किससे डिवाइड करते, करेंगे, ठीक है? लेकिन एक बात सुन ले, अभी हमने सिर्फ इसका क्या बनाना है, लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अच्छा, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा यार, मैं जरा ये लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं, वरना ये बंद हो जाएगा किसी भी वक्त, ठीक है, 2 मिनट। अच्छा, मेरा नेट भी शायद बंद हो, आपने घबराना नहीं, क्योंकि मेरी डिवाइस लगी हुई है, मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ ना वहाँ पे एक ही कनेक्शन है फिलहाल, डिवाइस निकालूंगा तो मैं घर का नेट कनेक्ट हो जाएगा, आपने घबराना नहीं है, बल्कि पहले मैं नेट चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट रुके, 1 मिनट, पहले मैं नेट अपना ये वाला लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, वो नेट मैंने हटा दिया, अब मैं वो डिवाइस निकाल के ना चार्जर 1 मिनट लेके आता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं चार्जर लेके आता हूँ। राणा भाई, क्या हाल है आपके?
किस पेंट आवाज आ रही है जी सर? ओके चार्ज पे ठीक है। अच्छा भाई अभी ये सवाल बस आखिरी सवाल मैं क्विक सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि फिर तकरीबन 20 मिनट रह गए नमाज में, तो मैं फिर इससे पहले ये सॉल्व करके ना इस पे रिक्वायरमेंट क्या थी, लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है अब इसमें कॉन्सेप्ट पहले आपको बता दूं, अगर मैं चेक करना चाहूँ इसकी पीवी ऑफ एमएलपी ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए पीवी ऑफ एमएलपी का, अब इसकी पीवी ऑफ एमएलपी कैसे निकलेगी इसमें, सबसे पहले तो आप देखें आपने शुरू में देने 3 लाख रुपए, एम आई राइट, डिपॉजिट ऑफ 300,000 ऑन January 1, 2015 और आज के पैसों के बराबर हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 1.045 सही है, पावर जीरो, उसकी पावर माइनस जीरो, इट वुड बी 300,000 नंबर वन। नंबर टू अब जरा देखिएगा, 3 साल में अगर सेमी एनुअली है हाफ ईयरली है तो 3 साल में कितने पेमेंट होंगी? 6 इंस्टॉलमेंट होगी सर। 6 इंस्टॉलमेंट होगी ना, तो 6 इंस्टॉलमेंट आपको देनी है 222,635 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस i 1.0। सर ये पूरी स्क्रीन कर देंगे, आधी नजर आ रही है? नहीं अभी पूरी आ जाएगी यार, स्क्रीन सही नजर नहीं आ रही आपको? ये आधी नजर आ रही है। अच्छा भाई अब सही नजर आ रही है स्टूडेंट आपको? सर n into m कर देंगे ना सर, पूरी स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ये जरा करें सर, इसमें n into m नहीं करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स into m, ईयर नहीं है, n नंबर ऑफ लीज टर्म होता है, कितनी बार पेमेंट करनी है आपको 3 साल में? 6 बार। 6 बार और हर साल के शुरू में है, बिगनिंग वाला फैक्टर है, बिगनिंग वाले फैक्टर में क्या हो जाएगा माइनस एन प्लस वन, तो वो 6 के बजाय कितना हो जाएगा? -5 सही है, -5 हो गया। अच्छा अब मुझे बात बताएं, और 1.045 की पावर -5 1 माइनस आंसर आपको 0.045 कर ले, 0.045 सॉरी 0.045 राइट, ऐसे ही है, और आखिर में प्लस 15 बताएं कितना आंसर आ रहा है? की आंसर बताएं? हाउ मच इज दैट? अच्छा मेरे हिसाब से तो 12 लाख होना चाहिए लॉजिकली, चेक कर लेते हैं, हमने फैक्टर सही लिया है, 045 ही हो जाएगा और -5 ही हो जाएगा क्योंकि पहली पेमेंट पहले दिन है। ठीक है इन एडवांस से की कोई और कैलकुलेट करे दोबारा, अहमद दोबारा कैलकुलेट कीजिएगा, किसी ने कर दिया ये? सर ये जो विद इन ब्रैकेट का आंसर 50.915 आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 222,635 आ रहा है। आंसर बताएं कि क्या आंसर आ रहा है सर? 1133,5495 1133,549 नहीं यार ये भी नहीं आना चाहिए सर, 1199997 जी ये सही है, यासिर खान, यासिर हाकिम, यू आर राइट, नाउ यू आल्सो राइट, 1199997 तकरीबन 12 लाख रुपए आ रही है मोर ऑर लेस। अब 12 लाख रुपए और सर ये सवाल ही नजर नहीं आ रहा, आधा ऊपर स्क्रीन कर दें आप,
यार बाकी स्टूडेंट आप लोगों को नजर आ रहा है? सर आ रहा है, उनके यहाँ एंड पे कोई मसला है? जी सर नजर आ रहा है। आसिफ भाई आपके एंड पे कोई इशू है? अच्छा अब आ जाए आप, ये हमारे पास 15 लाख रुपए इसकी आ गई पीवी ऑफ एमएलपी। हमारा एसेट भी कितने का था? 15 लाख रुपए का। फेयर वैल्यू कितनी थी इसकी? 15 लाख रुपए। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है जी सर? आपने क्या बनाना है? लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अब मैं इसका लीज एमोर्टाइजेशन शेड्यूल यहाँ बना देता हूँ भाई। ये बताए सबसे पहले आपने एसेट को कितने का रिकॉर्ड किया होगा अपने पास डे वन? पंद्रह लाख पे। चले आप 15 लाख से स्टार्ट करें, अच्छी बात है। मैं भी आपको कहूंगा 15 लाख पे ही करें। अभी इधर देखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ नंबर वन, नंबर टू प्रिंसिपल, और नंबर थ्री फिर वही इंस्टॉलमेंट, और इसके अंदर दो चीजें होंगी, नंबर वन इंटरेस्ट प्लस फिर प्रिंसिपल होगा। और फिर प्रिंसिपल का एंडिंग होगा, राइट? ये है बिगिनिंग और ये है एंडिंग, ये है 4.5%, ठीक है। अच्छा ये खुद ही रेट आधा किया हुआ इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले देखिए जैन वन, मैं बिल्कुल टॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैन वन 2015 आपने एसेट को डेबिट किया 15 लाख पे, पहले दिन पहली पेमेंट इंस्टॉलमेंट की कितने की कर दी? 3 लाख। उस पे कोई इंटरेस्ट गया जी? कोई इंटरेस्ट गया? नो सर। अच्छा अब ये 12 लाख, फिर देखिएगा कि डेट में यही लिख रहा हूँ जैन वन, फिर देखिए जैन वन दोबारा लिख रहा हूँ। हालांकि मैं चाहूँ ना, अगर बेहतर है चले मैं यही करते तो एक काम करता हूँ, पहले दिन मैंने एक वो भी तो पे किए साथ में, क्या पे किए पहली वो भी तो किए पेमेंट इंस्टॉलमेंट। तो 222635 कितनी थी? यस सर 222635 और 3 लाख, तो 522635 ऐसे ही है। यस सर 522635। अब एक काम करो इस पे जो ना वो लगा दो, क्या कहते हैं, माइनस करो, कितना आंसर आता है 522635? 977365। ओके 522 और 977 सर। हाँ ये बताए 977 और 365। यस सर 365। अच्छा काम करें, अब अगली पेमेंट पता है कब होगी? जुलाई 1, 6 महीने बाद। इस पे चार्ज करें सर, इस पे 2,22,635 रुपए देंगे ना? आप इंस्टॉलमेंट तो इतनी जाएगी, लेकिन उस पे क्या लगाना होगा? ठीक है उस पे इंटरेस्ट लग जाएगा ना 4.5%, 43,981। आगे माइनस करके लिए अमाउंट, सिक्स फाइव फोर कर दूं उसको? कर दें सर, कर दें। हाँ राउंड होगा ना पूरा, फिर पेमेंट पूरी आएगी। अब जरा माइनस करें 977365 में से 178654 798711। ओके अब पेमेंट कब होगी? 6 महीने बाद, जैन 1 2016। कितनी पेमेंट करेंगे बताओ?
7 9 7 9 8 7 1 1 पेमेंट क्या होगी? ट्रिपल टू मल्टीप्लाई 635 इस पे लगाए 4.5% इंटरेस्ट 35942 प्रिंसिपल 1866 93 माइनस करेंगे जी। यस सर ठीक है। अब पेमेंट कब होगी? July 1, 2016 छह महीने बाद। तो ये है 612018 222635 लगाए फिर इंटरेस्ट 27,541 कर दें सर 27,541 आगे बोले आगे चले 416924 अब ये आएगा January 1, 2017 आखिरी साल है दो पेमेंट रह गई है जैन और जुलाई तो 416924 आगे बोले 18761 62 कर दें सर यस सर यही आंसर है। माइनस करें आगे 213051 अब जरा आखिर में ख्याल करना है। यस सर बिल्कुल सही है यही आया। थोड़ा वो चेंज आएगा माइनस से शतर गा रहा होगा 051 पहले पूरा एडजस्ट कर दो और फिर बाद में चेक भी कर लो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। पहले मुझे बताओ 222635 में से माइनस करो 213051 माइनस करो जी 9584 अब जरा वैसे चेक करो जरा 213051 पे 4.5% लगाओ 21213 9587 आ रहा है एक रुपए का फर्क है सर ठीक है ना बस एक दो रुपए का पॉइंट 71 का फर्क वो कोई टेंशन वाली बात सर मेरे पास 3 रुपए का फर्क आ रहा है वैसे 1 रुपए का फर्क। अच्छा मेरी बात सुने इसमें हमारे पास जो है वो अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ क्या लिखा है बताओ पर क्या लिख रहा हूँ मैं सर क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन बस ठीक है क्योंकि मेरे पास से चली गई थी थोड़ी सी। अच्छा भाई ये अब एक बात सुन लें तकरीबन बस मैं क्लास को एंड करने जा रहा हूँ दो तीन अनाउंसमेंट सुन लें गौर से क्योंकि मीटिंग भी एंड होने वाली है 10 मिनट का मैसेज आ गया स्क्रीन पे और नमाज में भी तकरीबन 5-7 मिनट रह गए तो एक बात सुन लें कि पहली चीज़ तो ये कि आज जो मैंने पढ़ाया है उस पर ये मेरा एक हैंड आउट कम्प्लीट हो गया जो मैंने आपको लीज का भेजा था। अब मैं अगली क्लास में लीज का एक कॉन्सेप्ट होता है बार्गेन परचेज ऑप्शन सही है वो करवाऊंगा और उसके साथ जो है ना एक और कॉन्सेप्ट है सेल्स एंड लीज बैक वो करवाना है तो मे बी पॉसिबल है मैं शायद कल भी क्लास ले लूं। सर दोबारा बोलिएगा क्या बोला है आपने सर कल क्लास ना लें प्लीज। अच्छा क्यों सर मसरूफियात है दफ्तर की बड़ा मसला हो जाता है वर्किंग डे में। अच्छा चले सर, आप क्लास लेते हैं ऑफिस में हमारी क्लास होती है जी। हाँ सर जी बड़ी मुश्किल से मतलब टाइम देते हैं क्लास के लिए सर। अच्छा सर ऑफिस में हमारी क्लास फिजिकल क्लास ले सकते हैं मेहरबानी होगी
फिजिकल कल तो नहीं होगी, कल तो अब देखते हैं। फ्राइडे के दिन इंशाल्लाह क्लास रखें, फिजिकल क्लास पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। चले आप ऐसे ही करते हैं फिर, कल अगर आप लोगों को इश्यूज है तो मैं भी देख लूंगा, वैसे मेरी भी थोड़ी मसरूफियत है कल। एक मंडे के दिन आप ले लिया करें, कोई इश्यू नहीं है, दो दिन ना मसला हो जाएगा, फिर क्लास मिस होगी वो भी मसला है सर। चले फिर अभी आगे देख लेंगे, अभी फिलहाल जो हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत शुक्रिया इस वीक में इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे एसएस तो इंशाल्लाह कहीं कमिटमेंट नहीं है, तो इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी। सीजन है शादियों का, नहीं फिलहाल तो संडे को जाना है इंशाल्लाह, अभी एक कार्ड संडे का आया हुआ है, फ्राइडे सैटरडे नहीं आया हुआ, ठीक है ना। आज एक जगह से इन्विटेशन देखो, अभी नमाज के बाद अगर करीब ही है, अगर हिम्मत हुई तो जाएंगे, वरना सर मेहरबानी होगी आप फिजिकल क्लास ही लेगा, कोशिश करेगा, घर पे सिंगल नहीं आते। अच्छा भाई एक बात सुन लें आप लोग सब लोग, कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन 7 तक का जो हैंड आउट था ये कंप्लीट कर दिया है, इस पे एक एग्जांपल थी वो भी करवा दिए, कुछ होमवर्क दिए, अभी तो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा काम भी है मुझे, शायद कहीं जाना पड़ जाए शायद, तो मैं रात को कोशिश करूंगा लेट नाइट आप लोगों को जो है ना ये लेक्चर भी शेयर कर दूं आज के। अच्छा मैं वही फाइल अपडेट करता हूँ, तो आप लोग जब मैं दोबारा फाइल भेजूँ ना PDF, उसके आखिरी के लेक्चर देख लिया करें, ऐड कर देता हूँ मैं, और मैं मैसेज भी आप लोगों को बोल देता हूँ कि मैंने ये अपडेट कर दिए। तो मैं आज जो मैंने होमवर्क दिए ना, जो लास्ट टाइम भी होमवर्क बोले थे उनके सोल्यूशन शायद नहीं भेजे थे, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह उसमें ऐड कर दूंगा, आप लोग को होमवर्क मिल जाएंगे, होमवर्क के सवाल के सोल्यूशन प्लस ये जो मैंने करवाया ये सोल्यूशन। तो पहले आपने कोशिश ये करनी है बिफोर फ्राइडे क्लास, ठीक है, कल मैं फिर क्लास नहीं रख रहा हूँ, फ्राइडे इंशाल्लाह वुड बी नेक्स्ट क्लास और इट वुड बी 100% इंशाल्लाह फिजिकल होगी और आफ्टर क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह, अगर कोई नहीं आ सका तो। फ्राइडे को जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें मैं ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि लीज को इंशाल्लाह वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी टाइम होता है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा कम्प्लीट, और फिर सैटरडे इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो आप लोगों ने लेकिन जो फ्राइडे को दो छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, बार्गेन परचेज ऑप्शन और एक कॉन्सेप्ट और है सेल द लीज बैक, वो दोनों उस वक्त आपको समझ आएंगे जब आप प्रैक्टिस करके आएंगे ये सारे सवाल की। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कल मैं ऑफ दे रहा हूँ, थर्सडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तीन दिन है आपके पास, प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि फ्राइडे क्लास में प्रॉब्लम ना हो। ये पूरा हैंड आउट 7 के 7 सवाल प्लस जो मैंने एग्जाम्पल करवाई है ये सारी चीज़ें अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आइएगा, तो इनशाला फिर वो कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर, कर लेंगे आप लोग इनशाला प्रैक्टिस, ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग? यस सर, ठीक है, ताकि इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम ना हो, ये सारे सवाल गो थ्रू कर लीजिएगा। आगे कॉन्सेप्ट लिंक है बिल्कुल इसके साथ, वो थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट है दोनों, बार्गेन परचेज ऑप्शन सेल एंड लीज बैक थोड़े टिपिकल है, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह वो मैं आसानी से समझा सकूंगा। तो नेक्स्ट क्लास वुड बी इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे फिजिकल क्लास इंशाल्लाह। अच्छा दूसरी बात सुन ले, कि ये जो जितनी भी चीजें हैं और रिकॉर्डिंग है ये आपको इंशाल्लाह ग्रुप पे मिल जाएंगी, ठीक है। एक सवाल शायद मैं और भेजूंगा एक्स्ट्रा, वो सेमी एनुअली वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपने खुद करना है इंशाल्लाह, ठीक है भाई। उस पे रेट पर ईयर दिया हुआ है, रेट को हाफ कर लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा वॉइस मैसेज पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा ग्रुप में उस सवाल के साथ इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़ो, नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।